श्रीमती सुषमा स्वराज। अध्यक्ष जी, श्री नेल्सन मंडेला जी के लिए जो उद्गार आपने पीठ से व्यक्त किए हैं, मैं अपनी पार्टी की ओर से संबद्ध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, जीवन और मृत्यु का एक शाश्वत संबंध है। जो आया है दुनिया में वो ज़रूर जाएगा, लेकिन कुछ व्यक्तित्व दुनिया में ऐसे आते हैं जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, और ऐसे पदचिन्ह वो जहाँ में छोड़ जाते हैं जो अमिट रहते हैं। संत कबीर का एक दोहा है, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। श्री नेल्सन मंडेला एक ऐसी ही करनी करके गए हैं। जीवन के 28 वर्ष जेल में काटना आसान नहीं होता, और वो भी किस लिए? रंग भेद की एक नीति जो केवल अश्वेतों के लिए नहीं बल्कि मानवता के प्रति अपराध है, उस रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उन अश्वेतों के लिए वो लड़े जो मानवता विहीन कर दिए गए थे, और इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी माथे पे कोई शिकन नहीं। जब वो बाहर आए और जिस तरह से लोगों ने उनको अपनाया, जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया, ना उन्हें उसका मद हुआ और ना उन्हें उस बात का अभिमान हुआ कि वो दुनिया के इतने सर्वोच्च नेता माने गए हैं, और ना उन्हें उस संघर्ष के बारे में ज़रा भी दुख हुआ जो उन्होंने 28 वर्ष जेल में बैठकर बिताए थे। ठीक कहा शिंदे जी ने कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में बहुत समन्वय इस मामले में है कि जिस तरह की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी, उसकी प्रेरणा भी दक्षिण अफ्रीका से ली थी, और बाद में उनके अपने दक्षिण अफ्रीका के नेता ने अश्वेतों के प्रति ये संघर्ष किया। आज जिस समय उनका निधन हुआ है, हालांकि बहुत लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन हर कोई ये सोच रहा था कि जैसे वो अश्वेतों के लिए रंगभेद की नीति के खिलाफ जूझे, उसी तरह का संघर्ष उन्होंने अपनी बीमारी के साथ भी किया। लगता था कि एक दिन उन्हें जाना है जिस तरह की वो बीमार चल रहे थे, लेकिन तो भी शायद मन तैयार नहीं था ये समाचार सुनने के लिए। और जिस समय उनका ये समाचार आया, उस समय एक धक्का सा लगा, और लगा एक बहुत बड़ी शख्सियत आज दुनिया से उठकर चली गई। एक शेर मुझे याद आ रहा है, शायद पंडित नेहरू की डेथ पर किसी शायर ने कहा था, ऐ अजल तुझसे बहुत ही सख्त नादानी हुई, फूल वो तोड़ा कि गुलशन भर की वीरानी हुई। आज मंडेला जी के जाने के बाद दुनिया एक बहुत बड़े शख्स से विहीन हो गई है, एक ऐसा भाव मन में उभर रहा है, और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करती हूँ।